जिसके द्वारा आयोग द्वारा जारी की गई है। तो हम यहाँ पे बजाने की कब तक क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्या कोई क्या इस पे हाई कोर्ट का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि इसकी रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, और जानेंगे हम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल कब तक होएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और जो जो चैनल पर नए हैं भाइयों, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं 2019 वाले इस वैकेंसी की। ये 2019 में हुई थी और फोर इसमें को टोटल पद हैं भैया भाइयों, इसके लिए 659 पद हैं इसमें पूरे। फॉरेस्ट गार्ड के पद 596 थे और वाइल्ड लाइफ गार्ड के 59 पद थे, और 18 से 40 एज मांगी थी। तो आइए हम जानते हैं कि आगे क्या होगा। कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि इसकी वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की जारी की गई है। तो आइए हम देखते हैं क्या। तो भाइयों देखो क्या हुआ इसमें। तो ये देखो हमारे पास ये आंसर की है, फाइनल आंसर की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्या किया गया, क्योंकि पांच क्वेश्चन आयोग द्वारा 5 क्वेश्चनों में बदलाव किया गया है, जिसमें 3 पे तो फुल मार्क्स दिए गए हैं और 2 के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2015 वन रक्षक की उत्तर कुंजी 23/8/2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से, देखो इसका ऑप्शन मतलब सीरीज ए है, उसका 15 का फुल मार्क्स दिया गया है, 51 का फुल मार्क्स है, 80 का फुल मार्क्स है, और 125 और 128 के ये ऑप्शन चेंज किए गए हैं। तो आप अपना मिलाना ना भाइयों, क्योंकि सभी का बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, सभी सीरीजें दी गई हैं इसमें। तो मैंने इसका लिंक, इस बुकलेट की लिंक मैं वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा भैया अपना। तो आंसर की के बाद भाइयों हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ के लिए अगर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, कोई अलग कट ऑफ बता रहा है और कोई दूसरी दूसरी कट ऑफ बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिसाब से जहाँ तक यही कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि सब मिला के मैंने जो जो वेबसाइट जो जो वीडियो देखे हैं, तो उसके हिसाब से मेरी एक्सेप्टेड कट ऑफ यही रह सकती है फाइनल चयन के लिए। तो देख लीजिए भाइयों कि यहाँ पर जनरल वालों के लिए तो है 135 और 145, इन दोनों के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के हों आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। और आप ESW के हैं तो 125 से 135 के बीच में, क्योंकि जो वही ESW सर्टिफिकेट मान होगा जो आपका मतलब जो ये इसका भरा था फार्म अपन ने उससे पहले का, और जो अपन ने लगाया है वही सर्टिफिकेट मान होगा। तो आप अपना मिला लीजिएगा। अब OBC कट ऑफ देख लेते हैं, 120 से 130 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं भाइयों, वो OBC के लिए अपना पक्का सिलेक्शन समझें। SC में जिसके 100 से 110 मार्क्स आ रहे हैं, वो ST SC में अपना सिलेक्शन पक्का समझें। और अभी से अपना दौड़ चालू हो गया, क्योंकि दौड़ बहुत कठिन है भाइयों, इसमें 25 किलोमीटर की दौड़ है, वो भी 4 घंटे में। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि डोर हार्ड है। तो ST के अपन देख लेते हैं यहाँ पर, 90 और 100 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं ST में, वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे और दौड़ चालू कर दें भाइयों अभी से, क्योंकि फिजिकल में तो निकालेंगे, क्योंकि भाइयों इसमें मेडिकल तो सभी का निकल जाता है भाइयों, फिजिकल में जिस जिसका हो गया वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे। तो आ जाइए हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट क्या होने वाली है। तो आइए हम रिजल्ट देख देखते हैं कब तक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक बार की कटिंग है एक हमारे पास, इसमें देखिए पहले 13 निलंबित परीक्षाओं का रिजल्ट, फिर होगी 50,000 भर्तों पर भर्तियाँ। तो देख लीजिए राजस्व लेखपाल, परिवार कल्याण, कृषि विभाग में, और गन्ना पर्यवेक्षक, वन विभाग की रक्षक की, इन सभी की वैकेंसियों को पहले भरा जाएगा। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अगले महीने दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो सकता है, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है दोस्तों। और इसका फिजिकल मार्च तक कराने की संभावना, क्योंकि मार्च से पहले मतलब करा देंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए
और जानकारी देंगे हम। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।